जो उनका जो स्माइल है अभी देख सकते हैं, स्माइल कर रही है, कितना अच्छा लग रहा है। तो शादी कब कर रही है? सो हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। अभी आ चुके हैं रागिनी विश्वकर्मा जी के घर, जो इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं अपने गाने को लेकर, अपने सुंदरता को लेकर। तो वो सारा चीज पूछेंगे, कब क्यों कैसे कहाँ इन्होंने शुरुआत किया था। तो अभी आ चुके हैं चौरी चौरा के तरकुलई देवी स्थान पे, जहाँ इनका घर है। पीछे मेरे देख सकते हैं इनका घर, तो वो पीछे देख सकते हैं रागिनी विश्वकर्मा जी। तो अभी इनसे मिलते हैं। तो अभी आ चुका है रागिनी जी, ये है रागिनी जी, हेलो। नमस्ते। तो पूर्वांचल के ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आपको जानता ना हो, आपको सारे बंदे जानते हैं। अच्छा, इनके परिवार के बारे में ही बताएंगे, इनके सारा चीज बताएंगे। तो अभी पूछ लेते हैं कि आप किस लिए फेमस है, एक बार फिर पूछ लेते हैं, बाकी सब लोग तो जानते ही है। आप लोग की आप किस लिए फेमस है ये बता दीजिए। गाना के लिए। गाना के लिए, और उससे बड़ी बात इनकी सुंदरता के लिए। और भी सब सारे पूर्वांचल के दीवाने। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बुरा नहीं लगा? नहीं नहीं, सच्चाई जो हम लोग पांच छह लोगों से पूछा तो मतलब रागिनी विश्वकर्मा जानते हो, तो बोले हाँ जानते हैं। तो किस लिए फेमस है, क्यों उन्हें पसंद करते हैं, तो बोले गाना काफी ज्यादा सुंदर गाती है, और उससे बड़ी जो उनका जो स्माइल है अभी देख सकते हैं, स्माइल कर रही है, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये सबसे पहले बता दीजिए कि आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? घर भर, माँ बाप बहन भाई भौजाई। आपकी गाने की शुरुआत कैसे हुई थी? बहुत दिन से हम लोग का पूरा फैमिली है गाना गाने वाले हैं, खानदानी। अच्छा, से खानदानी गाना पहले शुरू से ही पढ़ाती हैं? नहीं, पहले गोरखपुर खजनी कोटाना। और उससे बड़ी बात पूछना चाहूंगा कि आप शादी कब कर रही है? अभी मजा आएगा ना भिड़ू? अभी नहीं, शादी का मामला। तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। तो सोचिए इसके बारे में? कुछ नहीं, माँ बाप की मर्जी से करना। अच्छा, उनकी मर्जी से करना है शादी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आगे फ्यूचर का आपका क्या प्लानिंग है? सोच रहे हैं कुछ बनने के लिए, माँ बाप को अच्छा शिक्षा मिल जाए कि वो लोग भी, अभी तक हम लोग वही काम करते हैं गाना बजाना। अच्छा, तो सोच रहे हैं कि उन लोग को बैठा करके लाएं। मैं कुछ वीडियो YouTube पर देखा था कि लोग बता रहे हैं कि जैसे इनका सिल्वर प्ले बटन मिल गया, अनुराग एंटरटेनमेंट पर आपका वीडियो आता रहता है, तो उनका कहना कि लाखों कमाती है। बाकी आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर जो लाखों कमाते तो हमारा घर ऐसा थोड़ा ना रहता, ना बाथरूम है, ना किचन है, ना कुछ है, तो ऐसा रहता। और जो इतना कमाते तो जरूर। तो उसको क्या कहना चाहते जो ये बोलता है कि मतलब देखिए, बोलने वाला का कोई मुंह नहीं ना रोका है। अब अभी हम ही बोल दें कि फलनवा ऐसा है, ढकनवा ऐसा है, तो बोलने से थोड़ा ना होगा। दुनिया को दिखाना चाहिए ना। अच्छा, अच्छा। कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। बस हमको पब्लिक लोग का प्यार आशीर्वाद मिलेगा, तो जो लोग ऐसे बोल रहे हैं लोग, वो अगर जो हो जाएगा तो और अच्छा रहेगा। और अच्छा रहेगा कि उन लोग का, पहले तो अफवाह मचा रहे हैं लोग कि ऐसी है वैसी है, जब नहीं है तो, आ जब हो जाएंगे तब कहेंगे लोग, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं रहेगा। हाँ भाई, हमने किया ऐसा तो हमको बोल रहे हैं। बाकी पहले ही से अफवाह नहीं मचाना चाहिए कि रागिनी क्या कर रही हो, शादी करने का मन है कि नहीं है। और घर के मैटर में अभी कुछ नहीं है, सोना नहीं जाना चाहिए। बस आपका उतना ही हक है कि आप जितना पूछ सकते हैं, कोई भी हुआ, चाहे हम हो चाहे कोई भी, आप कहीं पर भी जाते होंगे तो आपको उतना नहीं ऑर्डर देते होंगे कि आप हमारा पूरा घर का पता ले लीजिए, आपका जितना काम है उतना ही करिए, ऐसा है। तो वो लोग जो आते हैं, लोग पूरा पतरिए खोल कर चले जाते हैं। बहुत लोग आते हैं तो पूरा, अब क्या होता है ना कि थोड़ा सा शोर पकड़ा दो तो शोर पकड़ते पकड़ते पुनगी पकड़ लेता है। तो अभी एक इनका जो फेवरेट गाना है वो गाना सुनना पसंद करेंगे? दिल ना लगाई हा, फेर जानी आई हा, दिल ना लगाई हा, फेर जानी आई हा, अब जा 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 जान भुला जाई हा, अब जा 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 जान भुला जाई हा,
हमरा प्यार के बदला में बोला का दिल बाड़ू हो, तू जब दिल बाड़ू हो तो दगा दिल बाड़ू हो, याद मत करी हा हम के बिसरे हा, याद मत करी हा हम के बिसरे हा, अब जा 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 जान भुला जाई हा, अब जा 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 जान भुला जाई हा। जैसन के रउरा सब जाना तनी भोजपुरी में दीदी गाना गावेली रागनी दीदी, और ब्लॉग शुरू कब कर रही है अपना, ब्लॉगिंग कुछ प्लान है क्या आपका? नहीं, ब्लॉगिंग नहीं करना है अभी हमको, बहुत थक चुका है। आपका लाइफ स्टाइल लोग देखना हाँ। चाहते हैं, कुछ लोग बोल रहे थे। नहीं मुझे क्या क्या परेशानी, कैसे थक गई है? बहुत लोग आ रहे हैं, क्या क्या बना कर चले जा रहे हैं, थोड़ा मायूस हो जाते हैं। फिर हमारे ऊपर भी कोई गार्जियन है ना, हम उनके बाद दौलत से आज इस मुकाम पे हैं, तो उनका बात हमको मानना चाहिए कि नहीं। आप ही लोग बताइए, अब आप इतना पैसा लगाएंगे चाहे कुछ भी करेंगे हमारे लिए, तो हमारे लिए बहुत बड़ा बात होगी कि हमारे लिए आप इतना करे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है आपके लिए कुछ करना। तो वही बात है, हमारे ऊपर भी कोई गार्जियन है। तो पूर्वांचल के लोग भैया, जितना दीदी लोग रागिनी दीदी के जाना तला लोगन, वो चैनल का भाई गोल लागत नहीं, 3000 सब्सक्राइबर बा, 30000 का उसको करा दे यार। चलो आज के लिए इतना ही, मिला तो नहीं आपके नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, बंदे मातरम। ठीक ठीक, एकदम मेरे भाई जी को एकदम इतना शेयर कर दीजिए, इतना सब्सक्राइबर कर दीजिए कि उसका कोई सीमा ना हो, के इतना फॉलो अगर जो आप हमको बहुत बहुत धन्यवाद, जानते दिल जीत ली, मानते जानते हैं, अपना प्यार आशीर्वाद देते हैं, तो भैया का चैनल पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जितने लोग नहीं जुड़े हैं हो सकता है जल्द जुड़ जाइए, और मेरा वीडियो ऐसे देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।